प्रिय मित्रों, मैं आपका दोस्त गणेश अवहाड़ आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल ओम टेक की दुनिया में हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। नाद अर्थात साउंड दो प्रकार के होते हैं, एक आहत नाद। इस प्रकार में इस समस्त ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स में होने वाली वे आवाजें हैं जो दो या दो से अधिक वस्तुओं के आपस में टकराने से उत्पन्न होती हैं। और शायद आप समझ गए होंगे कि सभी आवाजें किसी न किसी टकराव का ही परिणाम होती हैं जिन्हें कानों से सुना जा सकता है। दो, अनहद नाद। दूसरे प्रकार के नाद को अनहद कहा गया है और ये नाद पहले प्रकार के नाद से पूर्णतया भिन्न है। ये नाद किन्हीं वस्तुओं के टकराने से नहीं बल्कि स्वयं से ही समस्त प्रकृति में आदिकाल से उपस्थित है। इसे ठीक से समझाने में सबको कठिनाई होती है और शब्दों की असमर्थता के कारण यह अनहद नाद रहस्य जटिल प्रतीत होता है। यह एक ध्वनि नहीं है, फिर भी इसे सुना जा सकता है। इसे मौन की आवाज कहा जा सकता है, पर यह न मौन है न ही ध्वनि है। पौराणिक काल से ही यह मान्यता है कि एक दिव्य ध्वनि हर एक चीज में अनवरत रूप से विद्यमान है। इसे यदि सुन लिया अथवा पहचान लिया जाए तो व्यक्ति तत्क्षण परमज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। इसे अनहद नाद या अनाहत नाद अथवा साउंड ऑफ साइलेंस के नाम से जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम नाद के इस रहस्य को समझने और जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में यह क्या होता है। वेदों में इसे ओम, नाद, श्रुति, आकाशवाणी इत्यादि कहा गया है और भगवद गीता में अक्षर कहा गया है। कुरान में इसे कलमा और बाइबल में शब्द व जीवन जल कहकर अनहद नाद की ओर ही इशारा किया गया है। सूफी संत इसे ही पवित्र शराब कहते हैं। संत इसे हरी रस और अमृत भी कहते हैं। सिख संतों ने इसे सतनाम और अखंड कीर्तन कहा है। अनहद नाद यानी बिना किसी स्रोत के आने वाली एक दिव्य आवाज है। अनहद नाद ईश्वर को पाने का एक माध्यम है। इसके प्रकट होने पर आत्मा परमात्मा का रस प्राप्त करती है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि अनहद शब्द के अंदर प्रकाश है और उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। यह ध्वनि नित्य होती रहती है और प्रत्येक के अंदर यह ध्वनि निरंतर हो रही है। अपने चित्त को 9 द्वारों से हटाकर 10वें द्वार पर लगाया जाए तो यह नाद सुनाई देता है। अनहद नाद ही परमात्मा के मिलाप का साधन है। इसके प्रकट होने पर आत्मा परमात्मा का रस प्राप्त करती है। गुरुमुख होकर इस शब्द को सुना जा सकता है। इसके अभ्यास द्वारा पाप मैल व सब ताप दूर होते हैं तथा जन्म जन्मांतरों के दुखों की निवृत्ति होकर आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। यह अपूर्व आनंद की स्थिति होती है तथा निज घर में वास मिलता है। यह शब्द गुरु से प्राप्त होता है। हम जब ध्यान करने बैठते हैं तो बाहर कोई भी आवाज अथवा ध्वनि हो वह हमें आकर्षित करती है, जिससे हमारा चित उस ध्वनि की ओर आकर्षित होता है तथा ध्यान नहीं लगता है। यदि हम अंदर की ध्वनि को सुनने में चित को लगाएंगे तो हमारा ध्यान लगेगा, क्योंकि चित ध्वनि की ओर आकर्षित होता है। शुरू में आपको श्वास की आवाज सुनाई पड़ेगी। आगे और गहराई में जाओगे तो आपको अलग अलग आवाजें सुनाई पड़ेगी। गहराई में जाते जाना है, अंत में मेघनाद सुनाई पड़ेगा तथा परमात्मा का दर्शन होगा। नाद सुनने का अभ्यास करने पर मन थकता नहीं है तथा आनंद आता है। पंच तत्वों का अभ्यास ही नाद से सिद्ध हो जाता है। जब नाद सुनाई देने लगता है तब बिना कानों में अंगुली अड़ाले सहज ही उसे सुन सकते हैं। मन को हमेशा नाद सुनने में लगाए रखे, यही सच्ची भक्ति है तथा मुक्ति का साधन है। बिना बजाए अंदर घंटे शंख नगाड़े बजते सुनाई देते हैं, जिसे कोई बहरा भी सुन सकता है। जब हम शून्य के पथ पर आगे बढ़ते हैं तो पहले झींगुर की आवाज की तरह की आवाज सुनाई पड़ती है तथा जब चिड़िया की आवाज की तरह की आवाज सुनाई देती है तब पूरा शरीर टूटने लगता है, जैसे मलेरिया बुखार हुआ हो। जब घंटे की आवाज सुनाई पड़ती है तो मन खिन्न हो जाता है तथा जब शंख की आवाज सुनाई पड़ती है तब पूरा सिर भना उठता है और गहराई से जब वीणा की आवाज सुनाई देती है तब मन मस्त हो जाता है तथा अमृत प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। जब बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ने लगती है तब गुप्त रहस्य का ज्ञान हो जाता है तथा मन प्रभु के प्रेम में रम जाता है। जब तबलों की आवाज अंदर सुनाई देती है तब परावाणी की प्राप्ति हो जाती है। जब भेरी की आवाज सुनाई पड़ती है तब भय समाप्त हो जाता है तथा दिव्य दृष्टि साधक को प्राप्त हो जाती है तथा मेघनाद सुनाई देने पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। बिना सतगुरु के इस मार्ग के बारे में समझना काफी मुश्किल है। प्रिय मित्रों, इस तरह से हमने अनहद नाद अर्थात साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में जानकारी ली है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई है और इस वीडियो को हम ईश्वर समर्पित करते हैं। धन्यवाद।